नमस्कार। अपराध और अपराध से जुड़ी खबरों पर आधारित हमारा ये खास कार्यक्रम तफ्तीश में मैं मान सिंह आपका स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको जोधपुर शहर में होने वाली वारदातों के बारे में न सिर्फ बताएंगे बल्कि आपको जागरूक भी करेंगे, ताकि आप भी रह सके सतर्क और अपराध पर लग सके लगाम। आज देश 21वीं सदी में चल रहा है, वैज्ञानिक युग चरम सीमा को छू रहा है, डिजिटल इंडिया बनने की तैयारी है, फिर भी देश में अंधविश्वास, भूत प्रेत व जादू टोना जैसी घटनाएं उभर कर सामने आ रही है। इन दिनों चर्चा में चल रहे बाल काटने की खबरों ने शहर में हड़कंप मचा दिया है। जोधपुर शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों दहशत का माहौल पैदा हो गया है। रात को सोती हुई महिलाओं और बच्चियों के बाल काट दिए जाते हैं। भले ही ये बातें सुनने में अजीब सी लगती हैं, लेकिन लगातार हमारे चैनल के पास आसपास के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में हो रही बाल काटने की खबरें आ रही है। कुछ इन घटनाओं के दृश्य हम आपको दिखाते हैं। एकदम नाक बड़ी हो जड़ेंगे, नाक में अजीब सी वो खुशबू आई हो, बस मन नींद आई कि लड़का ने मन और सुबह उठ दे के छुट्टी कर चली, अजीब तो मात और दुख लाग हो देवों से कूलर में छिड़कन दे दो। सुबह अचानक ही पिताजी आए मेरे पास 5:30 बजे, मुझे जगाया, बोला कि भाई घर में ऐसी ऐसी बात हो गई, बच्ची के किसी ने बाल काट दिए। मैं तुरंत उसी वक्त अपनी साइकिल दौड़ा के घर आया। घर आके देखता हूँ तो बच्ची की माँ मिलाप कर रही है कि मेरे बच्ची के बाल काट दिए। मौके पे आके देखा तो बच्ची के बकायदा तकिए के पास बाल की चोटी पूछा। जब मैंने बच्ची की माँ से घटने के बारे में पूछा रात को क्या हो, तो बच्ची की माँ ने बताया कि रात को हम सो रहे थे लगभग 11:30 बजे, नाटक वाटक करके लाइट बंद कर दिया। कूलर में से पता नहीं कोई परफ्यूम छिड़काव हुआ या कोई स्प्रे छिड़का हुआ, जिससे कि इनके नाव में जलन होने लगी और खांसी पे खांसी आने लगी। उसके तुरंत ही बाद ये बेहोशी की हालत में चले गए। तकरीबन सुबह 4:30 बजे बच्ची की माँ उठी, माँ ने उठी तब देखा तो बच्ची के बाल काट के सिरा दिखा रही। इन लोगों का यह भी कहना है कि बाल काटने के बाद महिलाओं के शरीर पर त्रिशूल का निशान बना दिया जाता है। ऐसी घटनाओं से क्षेत्रवासी दहशत में जी रहे हैं। ये लोग रात भर जागकर अपने क्षेत्र में पहरा देते हैं ताकि कोई बाल काटने वाला न आ जाए। पूरा शहर जब रात को नींद की आगोश में सोता है तो ये परेशान व पीड़ित लोग अपने अपने क्षेत्र में झुंड बनाकर हाथों में लाठियां लेकर क्षेत्र में पहरा देते हैं। इन लोगों का भय इतना बढ़ गया है कि इनको कोई भी अनजान व्यक्ति दिखते ही उसे घेर कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। ऐसा ही रातनाडा क्षेत्र में कुछ साधु हाथी लेकर घूम रहे थे तो क्षेत्रवासियों को शक हुआ कि शायद ये वही लोग हैं जो कि रात को बाल काटने की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यही सोचकर इन्होंने इन साधुओं को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पूछताछ में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। रात को सोते समय महिलाओं और युवतियों के बाल काटने की वारदातों ने जहाँ एक तरफ दहशत फैला रखी है, वहीं दूसरी तरफ इसे देवी प्रकोप के रूप में भी देखा जा रहा है। महिलाएं घरों के बाहर मेहंदी और कुमकुम के हाथ मांडे जा रहे हैं। इस तरह अंधविश्वास और भी बढ़ता जा रहा है। पुलिस भी ऐसी घटनाओं से अचंभित है। हर कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे कई परिवार हैं जिनके साथ ये घटना घटित हुई है, जिसे झुठलाया भी नहीं जा सकता। सवाल ये भी उठता है कि
इन घटनाओं को क्या कहें, महज अंधविश्वास या फिर किसी समाज कंटक की सोची समझी साजिश, यह तो वक्त ही बताएगा। कहते हैं स्त्री के चरित्र को पहचानना शायद भगवान के वश में भी नहीं था, तो इंसान की क्या बात करें। ऐसी ही एक चरित्रहीन महिला की हम करते हैं तफ्तीश। जकिया नाम तो शायद सबने सुना होगा। ये वो ही जकिया है जिसने अपने खूबसूरत चेहरे के पीछे असली चेहरा एक जहरीली नागिन का छुपा कर रखा है। इस जकिया नामक नागिन ने अपने पति सहित तीन युवकों को इस कदर डसा है कि न तो ये लोग जीने में हैं और न ही मरने में। सबसे पहले चकिया ने एक किलो अफीम के साथ अपने ही पति पंकज वैष्णव को राजीव गांधी थाने में पकड़वाया। फिर उसी थाने के थानाधिकारी कमलदान चारण को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर हाउसिंग बोर्ड स्थित ब्लैक मैजिक नामक रेस्टोरेंट के ऊपर रूम में बुलवाकर एसीबी के हत्थे चढ़वाया। जकिया का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ और तीसरा युवक गणपत विश्नोई, जो इसका आशिक भी था, उसको भी यह कहकर गिरफ्तार करवा दिया कि जिस वक्त पुलिस ने एक किलो अफीम जब्त की थी तब पंकज के साथ गणपत भी था। बाद में यह बात गणपत ने भी कबूल कर ली। निलंबित थानाधिकारी कमलदान पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए एनडीपीसी एक्ट की धारा 59 के तहत जेल से कर लिया गिरफ्तार। सेक्शन 59 क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इस एक्ट के तहत कोई भी अधिकारी अपनी ड्यूटी भूलकर अवैध गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है और अपराधियों को बचाने का प्रयास करता है तो उसको इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है। इसमें जमानत का कोई प्रावधान नहीं है, यानी बची जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे। अब सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम की मास्टरमाइंड जकिया के लिए कानून ने क्या सजा सोची है। कब पुलिस इस नकाब के पीछे छुपे कई सवालों के जवाब उगलवाएगी। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे इस खास एपिसोड तफ्तीश में। दिल से दिल तक लाइव देखिए रविवार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड तफ्तीश में। वर्ष 2015 में दो जिलों की पुलिस को चकमा देकर हुए फरार इनामी आरोपी वह राजस्थान के अपराध जगत का बादशाह कहलाने वाला आनंद पाल सिंह को आखिरकार पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। लगभग वर्ष 2006 में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला आनंद पाल देखते ही देखते कुख्यात गैंगस्टर बन गया। आनंद पाल वर्ष 2015 में पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया था। उस वक्त से राज्य की पुलिस का सिरदर्द बन गया था। पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लगभग 10 वर्ष तक पुलिस और आनंद पाल के बीच आंख मिचोली का खेल चलता रहा। आखिरकार 24 जून की रात करीब 11:25 पर चूरू जिले में पुलिस ने एनकाउंटर कर उसके अपराध के अध्याय को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अच्छे परिवार से ताल्लुक रखने वाला आनंद पाल खुद एक शिक्षित व्यक्ति था। अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला आनंद पाल क्यों हिंसा के लिए उठा ली थी बंदूक। मां की कोख से कोई अपराधी बनकर पैदा नहीं होता, ऐसा कोई न कोई बड़ा कारण रहा होगा जिसकी वजह से आनंद पाल को बनना पड़ा अपराधी। अब बात करते हैं बीते दिनों शहर में हुई फायरिंग की, जिसमें पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए फायरिंग में सहयोगी रहे दो आरोपियों को दर दबोचा और साथ में शहर में एक विशेष अभियान चलाकर अवैध हथियार रखने वाले 5 युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें शहरवासियों ने काफी राहत महसूस की।
19 जून को सरदारपुरा स्थित इलेक्ट्रिक शोरूम में हमलावर ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर दहशत फैला दी थी। वहीं दूसरी ओर 20 जून की रात शास्त्री नगर स्थित एक व्यापारी के घर पर फायरिंग की थी, जिसमें सहयोगी रहे दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब हम तफ्तीश करते हैं पुलिस वालों की दबंगई की, कैसे एक पुलिस वाले ने अपनी वर्दी की रौब दिखाई। पिछले दिनों एक युवक को हेलमेट न पहनना उस वक्त मांगा पड़ गया जब नेहरू पार्क क्षेत्र से वो गुजर रहा था। पुलिस चेकिंग के दौरान उसे रुकवाया और चालान के साथ उसे इनाम के रूप में एक जोरदार तमाचा भी मिला। ऐसा ही एक वाक्या बीते दिनों जेडीए के परिसर में हो गया। वहां तैनात होमगार्ड कर्मी ने एक व्यक्ति की जबरदस्त धुलाई कर दी। देखा आपने वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी। कानून का पाठ पढ़ाने वाले खुद कानून हाथ में लेते हैं। आपके पास भी यदि किसी आपराधिक घटना की कोई वीडियो क्लिप है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 7014236467। आज तफ्तीश में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर करेंगे किसी अपराधी घटना की तफ्तीश। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद।